सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक वृक्ष की हत्या पद्य के सारांश को देखेंगे। पहले हम कविता के कवि के परिचय को देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं कुंवर नारायण जी, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। इनका पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह 1956 ईस्वी में यानी 1956 में प्रकाशित हुआ, जिसे हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं परिवेश, अपने सामने, वाजश्रफ के बहाने, हम तुम, इन दिनों आदि। इनका एक कहानी संकलन भी है आकारों के आसपास, जो 1971 यानी 1917 में प्रकाशित हुआ था। इन्हें अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण यानी कविता के सारांश को जानेंगे। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने एक वृक्ष यानी पेड़ काटे जाने से उत्पन्न परिस्थिति, पर्यावरण संरक्षण और मानव सभ्यता के विनाश की आशंका से उत्पन्न व्यथा का उल्लेख किया है। अब हम कविता को पढ़ते हुए सारांश को जानते हैं। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप देख सकते हैं, तो हम पहले कविता पढ़ेंगे। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मेला कुचेला राइफल सी एक सूखी डाली, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बल बूता। तो हम इसका सारांश देखते हैं। यहाँ पर कवि पेड़ के बारे में बताते हैं कि जब वे घर लौटे तो उन्होंने एक पेड़ नहीं देखा जो वो हमेशा बचपन से देखते थे, और उस पेड़ को उन्होंने बूढ़ा चौकीदार बोलते हैं। वे कहते हैं कि वह पेड़ हमेशा चौकीदार के तरह हमेशा तैनात रहता था। वही पेड़ पुराने चमड़े का बना हुआ, सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदुरा, उसकी डाली राइफल सी तेज थी, उसकी पगड़ी फूल पत्तीदार यानी उस पेड़ पर बहुत सारे फूल और पत्ते होते थे, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता है लेकिन पूरे अक्कड़ से रहता था। अब हम अगला कविता देखेंगे। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। यहाँ पर वे कहते हैं कि चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी हो, वह पेड़ हमेशा अपनी खाकी वर्दी में चौकन्ना रहता था। फिर हम कविता पढ़ेंगे। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। फिर वे कहते हैं कि वे जब भी अपने शहर या गांव जाते थे तो वह पेड़ के पास जाके बैठता था, तो जब भी वे पेड़ के पास जाते तो वह पेड़ ललकारता कौन, तब कवि जवाब देते कि मैं दोस्त, और फिर पल भर के लिए उस पेड़ के छाँव तले बैठकर वे आराम से रहते थे। उसके बाद वे सबसे ज़रूरी बात बताते हैं कि दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनके अंदेशों में पहले से ही था कि उनके कई सारे दुश्मन है, तो उन्हें घर को बचाना है दुश्मनों से, शहर को बचाना है आतंकियों और लुटेरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। वे आखिरी पंक्तियों में कहते हैं कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। ये आखिरी
पंक्तियां हमें बहुत ही ज़रूरी बात कहती हैं। वे आखिरी में कहते हैं कि पेड़ काटे जाने से कई सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती है, जैसे बहुत पर्यावरण में बहुत सारी परेशानियां होती है जिसे हमें बचाना है। हमें नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, और खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुथल यानी मिट्टी हो जाने से बचाना है, और सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है, क्योंकि बिना पेड़ पौधों के जीवन नहीं है। पेड़ से ही पर्यावरण है और पर्यावरण से ही मनुष्य का जीवन है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा, पेड़ या पौधे ही नहीं रहेंगे, तो मनुष्य कैसे जिएंगे? इसीलिए इस समस्या से बचने के लिए हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, पेड़ को नष्ट होने से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ या जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम मनुष्य सांस नहीं ले पाएंगे। तो इस कविता में कवि ने सबसे ज़्यादा हमें पेड़ के महत्व को बताया है। इसलिए आशा करती हूँ कि इस कविता द्वारा सारे छात्र छात्राएं पेड़ पौधों को लगाने की कोशिश करेंगे, उसे बचाने की कोशिश करेंगे। यही इस पद्य का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को एक वृक्ष की हत्या कविता का सारांश समझ आया होगा और यह आपकी मदद करेगी। धन्यवाद।